सराय परौली मुसर टोला भगवानपुर सिवान में आई तो यह अनुभव हुआ कि इस गांव में दारू बिकने के कारण बहुत लोगों की मौत हो गई है। राजदेव मुसर के पिता भरत मुसर का भी दारू पीने से मौत हो गया है। अब कितने भाई बहन हैं? दो भाई तीन बहन। पापा मम्मी है? नहीं। पापा? नहीं। कैसे मर गए? दारू पीने से। तो इस छोटे भाई बहन सब कोई सब कौन है थी भरण पोषण करता है? जी हम ही मेहनत करके पालते हैं जी। ओ खुद मजदूरी करते हो जी। तो तुम क्या दारू का दुकान कहाँ पे है? कितना दारू पी लेते हैं? हमारे गांव में ही है जी। ज्यादा दारू पीते थे क्या? हाँ। ओ, तो क्या चाहते हैं आप? जी दारू का दुकान बंद हो जाए। और पति कहाँ है? हमारे पति दारू पीला से मर गए। तेरे बाल बच्चा? और बाल बच्चा के काम लगे तो कमा खियावे नहीं तो अपन यहीं रखे। हाँ दूसरा कोई नहीं देखने वाला है? हाँ। छोटा छोटा है बाल बच्चा? छोटा छोटा बाल बच्चा। अच्छा एक गाँव में दारू बिकता है तो आप लोग इसके लिए कुछ नहीं किए? किए का है नहीं, बाकी उसके बाद के पास जाते हैं तो नहीं करते है। वो कुछ नहीं सुनता? हाँ। मुखिया के पास कितने बार गए? कम से कम 3-4 बार से ज्यादा हो गया है। सभी लोग मिल के जाते हैं? हाँ सब को जाते हैं। तो आप कहाँ चाहती हैं? चाहते हैं जे अब कुछ मिली तो के तो खियावल जाए पियावल जाए तो अब काम लगे तब तो हम खियाए पियाए ना तो ही ना रहे। हाँ तो गांव में जो दारू बिकता है उसके बारे में आपको क्या सोच है? जे दारू बंद हो जाए। दारू बंद करना चाहती हैं? दारू का दुकान बंद हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ। तो आपको जरूरत पड़ेगा आदमी ले जाना चाहेगा ब्लॉक पर सभी समुदाय के लोग आप लोग चलिएगा। हाँ। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि राजदेव मुसहर मेरे ही समुदाय का लड़का है। राजदेव मुसहर के पिता भरत मुसहर का मौत दिनों रात दारू पीने से हो गया है। आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं। संबंधित विभाग थाना प्रभारी भगवानपुर हाट सिवान को जिनका मोबाइल नंबर 9431822456 पर कॉल कर गांव में दारू दुकान को बंद करवा सकते हैं ताकि यहां के महिलाएं बीबी बच्चे अमन चैन की जिंदगी जी सके। मैं ज्ञानती कुमारी ग्राम रामपुर पोथन भगवानपुर जिला सिवान बिहार से इंडिया हट के लिए।